तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत लगातार गर्माती हुई। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया और निशाना साधा, संसद लोगों की आवाज है ये कहना राहुल गांधी का। उद्घाटन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्याभिषेक समझ रहे हैं। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर जो विपक्ष है वो तो लगातार हमलावर है, लेकिन राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो हम आपको पढ़वा रहे हैं। संसद लोगों की आवाज है, उद्घाटन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य अभिषेक समझ रहे हैं। तो लगातार इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं। आज का दिन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण और इसके बावजूद विपक्ष जो है अपने चिर परिचित अंदाज में लगातार विरोध दर्ज करवा रही है, सियासत करती जा रही है। तो राहुल गांधी का जो ट्वीट था वो हमने आपको दिखाया, संसद लोगों की आवाज और उद्घाटन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य अभिषेक समझ रहे हैं, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया नए संसद भवन के उद्घाटन पर। सियासत लगातार होती हुई और राहुल का जो ट्वीट है वो हमने आपको पढ़कर बताया। तो पीएम को संसदीय प्रक्रियाओं से नफरत है ये कहना जयराम रमेश का, और साथ ही साथ देखिए नई संसद का उद्घाटन तानाशाही है। जेडीयू के स्पोक्सपर्सन है नीरज कुमार, उनका ये बयान है। और नई संसद का ताबूतीकरण ये भी देखिए बेहद निंदनीय। तो आरजेडी के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने ये निशाना साधा है और ब्राह्मणवाद स्थापित करने का प्रयास हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, किस तरीके से सियासी गलियारों में इस बेहद अहम मौके पर लगातार सियासत होती हुई, बयानबाजियां होती हुई। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। इन दलों की मांग थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद ट्वीट करते हुए कहा, संसद लोगों की आवाज है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद आरजेडी और बीजेपी ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। दरअसल आरजेडी ने नए संसद भवन के साथ एक ताबूत की फोटो शेयर की, उसके साथ लिखा ये क्या है। आरजेडी पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा आज एक ऐतिहासिक पल है और देश गौरवान्वित है। आप नजर बढ़े और कुछ नहीं, छाती पीटते रहिए। 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी। भाटिया ने लिखा कि चले ये भी तय हुआ, संसद देश का ताबूत आपका। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। नव भारत की ये नींव रखी गई है, लेकिन भारत की हजारों साल की पुरानी संस्कृति को जो विरोध करता है, मुझे लगता है वो अंग्रेजों से अब तक छूटे नहीं है। वो अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति के सामने नतमस्तक नहीं होते। इससे उनकी भारतीयता पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरजेडी का कोई स्टैंड ही नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए था। अब उनका क्या, उनके बारे में क्या बोले, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। लोकसभा देश की जनता को जवाबदेह है, तो इसलिए ये बेहतर होता कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम केवल कुछ लोगों के लिए था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में जो कुछ चल रहा है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। जाहिर है नए संसद भवन पर सियासत का दौर अभी थमा नहीं है। अंजलि सिंह और रविंद्र कुमार के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया।
और इस खबर पर करते हैं बात। हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी लगातार है, रविंद्र कुमार हमारे साथ पहले से बने हुए हैं, मेरे साथ राहुल जुड़े हैं, साथ ही साथ अंजलि सिंह भी हैं। राहुल मिश्रा, पहले आपके पास आऊंगी। देखिए किस तरीके से पहले बहिष्कार किया जाता है, बॉयकॉट किया जाता है, फिर अपने शब्दों से अपने बयानों से सियासतदान सारी हदों को पार करते नजर आ रहे हैं। देश के इतिहास का बेहद गौरवमय दिन आज रहा और उस पर भी सियासत लगातार चरम पर। राहुल, आप सही कह रही हैं कि देश का इतिहास का एक गौरवमय दिन होने के बाद भी इस तरीके की सियासत करना, और इस तरीके की सियासत में भी यदि आप कहें तो विरोध के लिए विरोध करना, ये कहीं सीधे तौर पे लाजमी नहीं है। और ये कारण आप यदि आप देखें जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से एक ताबूत के तौर पे दिखाया गया है, इस पूरे के पूरे संसद भवन को दिखाया गया, नए बने हुए संसद भवन को, ये कहीं सीधे तौर पे कहा सकता है कि आप कहीं सीधे तौर पे आप विरोध करना चाहते हैं तो विरोध का पूरा एक विरोध के तौर पे विरोध मत कीजिए। यहाँ पे आप एक मर्यादित तौर पे जो है विरोध किया जाता है। दूसरी बात, एक और चीज है कि क्या कई सवाल यहाँ पे उठते हैं कि आखिर में क्या नए संसद भवन की यहाँ पे जरूरत नहीं थी? नए संसद भवन की एकदम जरूरत थी कई चीजों में, मायने में यदि देखा जाए कि जिस तरीके से, क्योंकि यदि परिसीमन होगा, परिसीमन होंगी तो सीटें बढ़ेंगी, और सीटें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पे वहां पे जो पुराने संसद था वहां पे कहीं उसकी कहीं सीधे तौर पे लैक था, कमी थी वहां पे। दूसरी बात, सिक्योरिटी कंसर्न भी काफी ज्यादा होता है। सुरक्षा के लिहाज से भी यदि देखा जाए, पुराने संसद जिस समय बना था उस समय दो तीन चीजें, एक सुरक्षा का यदि देखा जाए तो जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके बाद जिस तरीके से वहां पे सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन जो नया संसद अब बनाया गया वो पूरी तरीके से नए साजो सामान। बिल्कुल राहुल, हमारे साथ रविंद्र कुमार भी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। रविंद्र कुमार, देखिए देश की सबसे गौरवमयी जो इमारत है उसका तिरस्कार करना, पूरी तरह से इसकी चौतरफा निंदा हो रही है, भर्त्सना हो रही है, लेकिन देखिए ये विरोध के नाम पर जो विरोध हो रहा है, ये व्यक्ति विशेष का विरोध है या फिर आइडियोलॉजी का विरोध है? देखिए, जिस संसद के नए भवन का ताबूत के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, जिस संसद के नए भवन को मकबरा बताया जा रहा है, उन पार्टियों के नुमाइंदे कभी न कभी इसी भवन में आएंगे, इसी लोकसभा में आएंगे, इसी राज्यसभा में आएंगे। जब भी सत्र की शुरुआत होगी तो क्या उस ताबूत में बैठेंगे, क्या उस मकबरा में बैठेंगे, ये सोचना चाहिए सियासतगरों को। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं वहाँ खुद दो घंटे ढाई घंटे तक था अंदर में जहाँ पर यह कार्यक्रम था, 12 बजे के बाद तालियों के गुंज गड़गड़ाहट के बीच में प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ, उन्होंने कहा कि देश आगे बढ़ गया है, जिसको साथ में चलना है वो आगे बढ़ेगा, जो पीछे छूट गया है वो छूट गया, जाहिर सी बात है। अंजलि हमारे साथ है, रविंद्र। अंजलि, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं, राहुल गांधी का ट्वीट रहा। जी देखिए, बिल्कुल एक तरफ विचारों की लड़ाई अलग है, विरोध में विपक्ष की कई दल जो हैं वो नहीं पहुंचे, वो भी एक तरफ अलग बात है। आप विरोध जरूर दर्ज कराएं लेकिन वो भी एक मर्यादा के में रहकर ही होना चाहिए। जिस तरह के ट्वीट देखे और जिस तरह की टिप्पणियां आई हाल फिलहाल में, जब ये समारोह चल रहा था उस दौरान इस तरह के ट्वीट्स और टिप्पणियां आ रहे थे अलग अलग राजनीतिक दलों से, राजनेताओं की ओर से, तो वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है कि भले ही आप इस बड़े अवसर पर हिस्सा ना बनना चाहें, हिस्सा ना बनकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो वो विरोध आप खामोश रहकर भी दर्ज कराएं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह की तल्ख बयानबाजी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करती है। बिल्कुल, इस बेहद खास मौके पर लगातार सियासतदान अपनी सियासत को चमकाती है, और जो बयान तमाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको सुनवा भी रहे हैं, बता रहे रविंद्र, राहुल और अंजलि, शुक्रिया।